Sir, I wanted to ask your opinion on the recent development of the Arab Spring in Yemen, Libya, Egypt. What effect do you think it will have on Muslims in the European world? I know it's a very big question, but some clarification will help, because I think the British, the Americans, they have preconceived notions of Muslims. And to a certain extent, I believe a lot of the problems which they've created in Libya and Egypt was their creation. So your opinion, valued opinion, will enlighten us. Yes, baz mulkon ko aur baz hukumaton ko bithane wale bhi to European hi the na. Jab Sultanate Osmaniya ka zawal bhi hua hai, us waqt se ab jaye agar dekhen to us waqt ki hukumaten bani hui hain na baz. Phir division, sub division aage mulkon ki karte chale gaye. Syria ki, Urdun ki, samajh aa rahi na abhi baat? Do you understand? To baat ye hai ki वेस्टर्न लोगों पे इसका इफेक्ट क्या होना है, इनको खुद पता है कि कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस एरिया में, इस रीजन में डिस्टर्बेंस रहे ताकि इनकी अपनी चौधराहट कायम रहे वहाँ. ये तो खुद अमल में अगर पैदा करना चाहें तो अमन कर सकते हैं पैदा. कौन सा असलह की फैक्ट्री लगी हुई किसी मुसलमान मुल्क में, मुझे बताएँ. है सर उसका हमारे पे क्या इफेक्ट होगा? सर उसका हमारे पे क्या इफेक्ट होगा? Muslims in the Western world, मतलब कि वो वहाँ पे जो इन्होंने चक्कर शुरू कर दिया हुआ है, we just would like to know कि in your opinion sir, उसका हमारे हम लोगों पे क्या effect होगा? कुछ भी नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप peaceful हैं लोग, आप चाहते हैं कि अमन दुनिया में कायम रहे, तो हम अब जमात अहमदिया यहाँ है ना, हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हम कहते हैं हमारे पे तो कोई असर नहीं हो रहा जो कुछ भी होता है दुनिया में. इसलिए हम अपने आप को मुसलमान समझते हुए इस मुल्क में, इन मुल्कों में, बल्कि अगर अमन से रह रहे हैं तो अगर अगर आप लोगों का अपना बिहेवियर, अपनी कम्युनिटीज़ का बिहेवियर ऐसा है कि जो असर ना डाले तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आपका अपना मस्जिद में, पिछले दिनों में अखबार में, बल्कि टी वी में भी आया हो तो BBC ने दिखाया कि मौलवी साहब बच्चों को मार रहे हैं पढ़ाते हुए, अब वो जब देखते हैं कि यहाँ इनकी, यहाँ बच्चों के साथ, यहाँ मुल्कों में भी रह के यही हो रहा है, इस्लामी मुल्कों में ये कुछ हो रहा है, तो ये इस्लाम में है ही टेररिज्म, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, शिद्दत पसंदी या गुस्सा के अलावा कुछ है ही नहीं. तो ये तो आप लोगों को ख़ुद ठीक करना पड़ेगा ना, अपनी सफाई देनी होगी कि हम इस्लाम की ये तालीम नहीं है और इस्लाम की ये तालीम नहीं है. कहीं अभी यहाँ ये सवाल किया था कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ह्यूमन राइट्स का और इस्लाम का तो किसकी तुम फॉलो करोगे. मैं कहा तुम मुझे एक दलील दे दो ह्यूमन राइट्स के बारे में, एक बात बता दो जो तुम, जिसको तुम ह्यूमन राइट्स समझते हो और वो इस्लाम नहीं कहता. मैं तुम्हें साबित करूँगा कि कुरान में उससे पहले लिखी हुई है.